सगाई के बाद कुलदेवी दर्शन से लौटते हुए रणवीर और सुमन पर सिंदूरा के भेजे गुंडे हमला करते हैं। उस रात सुमन रणवीर की अच्छाइयां देखकर उसे दिल से अपना मानने लगती है। दूसरे दिन घर लौटने पर कलावती सुमन का अंतिम संस्कार कर देती है और इसके बाद सुमन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का निर्णय करती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं और सुमन पर एक के बाद एक हमले शुरू हो जाते हैं। संगीत में सोनाली की एंट्री होती है और संगीत के दौरान रणवीर पे चलाई हुई गोली वो खुद पे ले लेती है। सोनाली रणवीर की कॉलेज की दोस्त है जो उसे अपना बनाने और सुमन को रणवीर से अलग करने आई है। सोनाली का इरादा कामयाब हो जाता है जब सुमन सोनाली को रणवीर के गले लगते हुए देख लेती है। आखिर में रणवीर को पता चल जाता है कि सोनाली को संजना ने बुलाया है। अब आगे यार यहाँ पर हो क्या रहा है? पहले चप्पल लेकर आ गई और अभी के लिए नहीं गई होगी। मुझे क्या पता, मैं अभी तो यहीं खड़ी हूँ ना। मनन जी ने कहा था कि ऐसे चमत्कारों की ना आदत डालो। डरा रही है यार, डरा मत। ये क्या कर रहे हैं? ये चाकू है, हल्का सा 19-20 हो जाता है तो खून निकल आता है माँ। ओहो हो, बाबा छोरे, हमें तो पता ही नहीं था कि चाकू लगने से खून आ जाता है। चुप कर, अभी शादी की हल्दी लगी और ये रंग, अभी फेरे होने बाकी है छोरे। धरो इन्हें, लो धरो। अरे छोरियों, शादी होने तक ये छुरियां अपने पास रखोगी ना तो बुरी नजर नहीं लगेगी तुम्हें। थैंक यू मम्मी जी। लो सिंदूरा भाभी भी आ गई, लीजिए भाभी। अब ये क्या है भाभी? ये सुमन के लिए है, इससे उसे बुरी नजर नहीं लगेगी, आप ही उसे दे दीजिएगा। नुपुर, मैं ये सब में बिलीव नहीं करती। अरे लेकिन भाभी। रणवीर मेरा हाथ छोड़ो। रणवीर क्या कर रहे हो तुम? रणवीर प्लीज। संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अब हाँ जी बताइए। नहीं यहाँ नहीं, ऊपर चलो मेरे साथ। क्या हुआ रणवीर? मॉम, I'll speak to you later. लगता है आज तो इस छोरे पर शनि देव बैठे हैं। नुपुर, तू तो चुप ही रह, नहीं तो कहीं तेरे ग्रह की दशा भी ना बदल जाए। तुमने सुना नहीं? हम यहाँ भी बात कर सकते हैं रणवीर। मैंने कहा ना संजना, बात यहाँ पर नहीं हो सकती, चलो मेरे साथ। पर बात क्या छोटे भाई, मैं आपको बाद में बताता हूँ, चलो। ठीक है चलिए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? देखो जितनी भोली तुम बनने की कोशिश कर रही हो उतनी भोली तुम हो नहीं, इसलिए साफ साफ बताओ मुझे क्या चाहती हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब? क्या सब क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। ठीक है, तुमने सोनाली को यहाँ पर इन्वाइट क्यों किया? मैंने? अरे मैं क्यों उसे इन्वाइट करने लग गई, मैं तो जानती तक नहीं हूँ इसको। समझ में आया थारे को अभी? अरे थारे को क्या हुआ? रणवीर जी बहुत गुस्से में थे, उन्होंने खुद को संजू जी और सोनाली के साथ कमरे में बंद कर लिया है। हे महाकाल, अब जे कौन सा नया पसारा हो गया? पर भाभी आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, हाँ मेरे साथ। तुम मुझे नहीं जानती? ऑफ कोर्स नहीं जानती, ये झूठ।
ठीक है, मान लिया तुम उसे नहीं जानती, तो फिर ये बताओ कि तुमने सोनाली को हक कैसे किया उस दिन? कब हक किया मैंने? संगीत के वक्त जब मैं पानी पीने गया तब तुमने सोनाली को हक किया कि नहीं किया? अच्छा हाँ हाँ, तब मैं आई थी, मैं पानी पीने के लिए आई थी और मैंने आप दोनों को बात करते हुए देखा, तो मुझे लगा आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो एक स्वीटनेस दिखाने के लिए मैंने इसे हग कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं रणवीर कि मैं इसे जानती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सच कह रही, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सोनाली को फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? क्यों उसको फोन करके बोला कि सोनाली सुमन से शादी करके रणवीर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इससे तुम तुरंत दिल्ली से यहाँ पर आओ और उसकी शादी रोको, क्यों किया? मैं तो जानती तक नहीं हूँ रणवीर, सोनाली क्या मैंने तुम्हें फोन किया? ऑब्वियसली तुम्हें नहीं, तुम्हें यहाँ फोन करके बुलाया था। छोटी हो तुम, मैं तुम्हें क्यों बुलाने लग गई, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर तक नहीं है। अच्छा मैं आपको यकीन नहीं है ना, तो ये लो मेरा फोन चेक करो, तसल्ली से चेक करो, अगर इस फोन में इसका नंबर मिल जाए तो। झूठ क्यों बोल रही हो संजना, तुम्हें मुझे फोन करके अपना नाम संजना बताया था भाई। ओ माय जीज़, सोनाली कोई भी लड़की तुम्हें फोन करके संजना अपना नाम बता सकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो फोन मैंने किया। ये सब मुझे क्यों फंसा रहे हो यार, मैं भाभी रणवीर की शादी क्यों तोड़वाऊंगी, क्या मिलेगा मुझे? रणवीर ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। रणवीर दरवाजा खोलिए। भाभी सुमन तुम जी, सब क्या हो रहा है? और भाभी अच्छा होगा आप आ गए, ये देखिए रणवीर, देखिए फिर से मुझ पे ब्लेम लगा रहा है, ये बोल रहा है कि इस लड़की को मैंने दिल्ली से इंदौर इसलिए बुलाया ताकि मैं आप दोनों की शादी तोड़वा सकूं। भाभी आप तो जानती है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आपको तो पता है ना, बताइए इन्हें कि आप दोनों की शादी कराने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बताइए इन्हें, हर बार मुझे फंसा देते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, आप ही बताओ अचानक सोनाली का इंदौर आ जाना अजीब नहीं लगता आपको? भाभी क्या रणवीर ने आपको इससे पहले सोनाली के बारे में कुछ भी बताया है? तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार। संजू संजू चुप हो जा। नहीं संजू नहीं, रो मत, कोई तुझ पर विश्वास करे या ना करे पर मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल रो मत। रणवीर आपने संजना पर गलत इल्जाम लगाया है, वो मेरा बुरा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। चल संजू। एक मिनट सुमन, सुमन सोनाली ने खुद मुझे बताया कि संजना ने उसे फोन करके यहां बुलाया था। बस रणवीर, झूठ संजना ने, संजना ने झूठ आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। सोनाली का संजू से कोई वास्ता नहीं है, अगर सोनाली का किसी से वास्ता है तो आपसे। मैं प्रेमिका थी ना वो, आपकी शादी करना चाहती है आपसे, जाहिर सी बात है आप ही ने इसे यहां बुलाया होगा। सुमन सुमन मैं सोनाली को यहां क्यों बुलाऊंगा? उससे बदला लेने के लिए। और रणवीर मैं सच में कितनी गलत थी, मुझे लगा था कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हैं, नहीं आपने तो एक मोहरे की तरह मुझे बस इस्तेमाल किया। क्यों
ताकि इस लड़की को पता चले कि आप उसे कितना प्यार करते थे। आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, और ये हो गई। आज ये तैयार है आपसे शादी करने के लिए। आप सोनाली से ये बाजी जीत गए। सुमन, सुमन प्लीज मेरी बात सुनो। तुम सुमन, देखा तुमने रणवीर, तुम उससे इतना प्यार करते हो, वो तुम्हारी कदर भी नहीं करती है। बस दूर रहो मुझ, दूर। सुमन, रणवीर, सुमन मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया रणवीर, अब और नहीं। रुक जाओ रणवीर, जो लड़की तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती उसके लिए रुकने से और उसे रोकने से कोई फायदा नहीं। लेट हर गो। आप नहीं समझ सकती मॉम कि सुमन मेरे लिए क्या है, और इस वक्त आपको समझाने से ज्यादा जरूरी है ये पता लगाना कि संजना ने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूं संजना, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। आज तो तुम सुमन को मेरे खिलाफ खड़ा करने में कामयाब हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूं, वो भी सबूत के साथ। छोड़े, जो काम मैं इतने एफर्ट डालकर भी नहीं कर पाई इस लड़की ने दो दिन में कर दिखाया, वो भी इतनी आसानी से। सुमन से बाजी जीतने के लिए तुझे तेरा मोहरा मिल गया सिंदूरा, अब देखना मैं कैसे करती हूँ चेक एंड मेट। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है सुमन। जा अपने रूम में आराम कर, गो। जिस घर में बर्तनों तक के टकराने की आवाज नहीं आई, वहां हमें रिश्तों के टकराने की आवाज आने लगी है। नहीं किसकी नजर लगी है हमारे परिवार को। ये दादी सा मुझे इतना टफ लुक क्यों दे रही है? मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं इस घर से मेरा पत्ता ना साफ करते। शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ओह माय माय, आई एम इम्प्रेस्ड। ये लड़की तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखिए ना, मेरे यहाँ अचानक आ जाने से रणवीर और सुमन के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी आंटी, ट्रस्ट मी, मैं मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। इट्स ओके, आई नो
तुम्हारी इंटेंशंस गलत नहीं है। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अभी तक तो तुम्हारी ये चोट भी ठीक नहीं हुई है जो रणवीर की जान बचाते वक्त तुम्हें लगी थी। चलो रोना बंद करो, मेरे साथ रूम में चलो, आराम करो, कम। देखा बड़ी, सब क्या चल रहा है इस घर में? हाँ मासा, देख रही हूँ। पता नहीं सिंदूरा को इस लड़की में क्या दिखा जो उसे गले लगा लगा कर घूम रही है। जिस बेल को दरवाजे के बाहर होना चाहिए उसे घर के आंगन में लगाने भी तुली है। घर के आंगन में किसी भी बेल को लगाने से वो बेल तुलसी नहीं बन जाती बड़ी। बहुत हो चुकी है उठा पटक, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों की शादी में कोई विघ्न ना आए, समझी तुम दोनों? जी मासा। मासा हम तो कहेंगे सिंदूरा भाभी पर ना राहु की वक्री दृष्टि चल रही है, इसीलिए तो उनकी सोच भी वक्री हो गई है। हमारा मतलब है सोच भी पूरी उल्टी चल रही है। हमने तो सोच लिया है उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर ना भैरव बाबू के मंदिर में चढ़ा कर आएंगे, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा मासा। इस लड़की सोनाली का हमारे घर में ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है। अच्छा होगा अगर वक्त रहते सिंदूरा भी इस बात को समझ जाए। अरे इतना क्या सोच रहे छोटे, जाके सोनाली को बोल इस घर से निकल जाए। यार माना हम पे एहसान किया उसने तेरी जान बचाकर, लेकिन अब वो जो कर रही है ना भाई उससे रोकना बहुत जरूरी है। छोटे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सोनाली के यहाँ आने से तेरे और सुमन के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो सोनाली का चले जाना ही अच्छा है यार। भाई वो बात मैं जानता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा सुमन से बात करना बहुत जरूरी है। तो करता क्यों नहीं है यार? कैसे करूं? देखा ना आपने, वो मेरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे तो यहाँ खड़े होने से कोई सलूशन थोड़ा निकलेगा? भाई आप नहीं जानते, सुमन को लगता है कि मैं संजना को जानबूझकर फंसा रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि संजना ने खुद सोनाली को फोन करके यहाँ बुलाया। आई एग्री, ये संजना ना कुछ भी कर सकती है यार, किसी भी हद तक गिर सकती है लड़की। रणवीर जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर बार मेरी इंसल्ट कर देते। देखो ना आपने किस तरह से मुझ पे प्लेन्स लगाकर उन्होंने मुझे सम की आईज में गिरा दिया। माना माना मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने परिवार का बुरा चाहूंगी। ऐसा तो कभी नहीं कर सकती मैं। भाभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, पर पता नहीं क्यों रणवीर जी बार बार मेरे इंसल्ट करते हैं। उनको मिलता क्या है ऐसा करने में? चुप पूछा अंकुल, चुप। मैं जानती हूँ कि तूने सोनाली को नहीं बुलाया। भाभी मैं आपका और रणवीर जी का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहूंगी? मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी वजह से या किसी और की भी वजह से आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। संजू मैं जानती हूँ तुझे मुझे ये सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों तो सगी बहनों से बढ़कर हो मेरे लिए, मेरा बुरा कभी सोच भी नहीं सकती हो। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, रणवीर तुझे गलत समझ रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। चल छोटे एक सेकंड के लिए मान भी ले कि संजना ने सोनाली को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन उसको सुमन और तेरे रिश्ते से प्रॉब्लम क्या हो सकती है यार? भाई वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि इस वक्त मेरा सुमन से बात करना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे बात करूं कैसे। एक आइडिया है। आप? अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे किसी ने 1000 वोल्ट का झटका दे दिया, मेरे पास क्या आइडिया नहीं हो सकता? अरे मैंने भी तुम्हारी माँ जैसी टेढ़ी चीज से प्यार किया है, पैतरों की कमी तो मेरे पास भी नहीं है। तो छोटे पापा आप बताइए ना कुछ, भाई कितनी देर से परेशान है। एक आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो, जिसने प्यार के इतिहास में हमेशा बुलंदियां छुई। भाभी
मुझे ऐसा लगता है कि आप रणवीर जी को गलत समझ रहे हैं। के मतबल है, हैं? दिमाग चल गया है तेरा? अरे लल्ली ने अपनी आंखों से सोनाली के साथ लिपटा चिपटी करते हुए देखा है उसे। अब के वो प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करके देगा कि मैं दोषी हूं? हेलो, क्या भाभी? अब मेरे साथ चलिए। और कहाँ लाडू? भाभी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, बहुत अर्जेंट है, प्लीज चलिए। अरे कहाँ ले जा रही है इसे चोरी? मासा मैं आपको सब कुछ आकर बताती हूँ। ए महाकाल, जितना होवे सो कम है, पता नहीं कहाँ चली गई ये छोरियां। लाडो, लाडो तो मुझे बताए कि तू मुझे कहाँ ले जा रही है। भाभी मुझे मनन जी का कॉल आया था, तो मैं मासा और संजू जी के सामने कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन मनन जी ने बताया कि रणवीर जी छत से कूदकर अपनी जान देने वाले हैं।